जाहिद जी जी जाहिद जी, जमशेदपुर से एक खबर आ रही है, आज पूर्व मंत्री अमर बावरी पहुंचे हैं जमशेदपुर जी। क्या कह रहे हैं ये, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, क्या कह रहे हैं ये जी? देखिए विनोद जी, आपको बता दें जमशेदपुर में दो दिन के कार्यक्रम में पहुंचे हैं अमर बावरी जी। उनका कहना है जो जिस तरह का पार्टी को मजबूत करना है कार्यकर्ताओं का, दो दिन का यहाँ पर सम्मेलन होगा, इसी सम्मेलन में पहुंचे हैं और बहुत सी मुद्दों पे भी बातचीत किया है इन्होंने। और साथ ही साथ आपको बता दें कार्यक्रम कल से शुरू होगा, दो दिन यहाँ पर चलेगा कार्यक्रम जी। जी और भी कुछ कहा है अमर बावरी ने? देखिये उन्होंने कहा है पार्टी के मजबूती के लिए कहा है उन्होंने, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को जोड़ना भी है, ये मकसद है कार्यक्रम कराने का। शहर में यहाँ पर जमशेदपुर में बहुत दिन से कार्यक्रम नहीं हुआ था, अब ये कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें ये पहुंचे हैं, और अभी कार्यक्रम जब तक रहेगा यहाँ शहर में जमशेदपुर में रहेंगे अमर बावरी जी। जी जी धन्यवाद जय जी, खबर के लिए बने रहे जमशेदपुर से सोना न्यूज के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान लाल सिंह आर्य जो कि पूर्व में कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश, उनके कार्यक्रम द्वारा होना है। इस दो दिवसीय कार्य समिति की बैठक में उद्घाटन सत्र में अपने राष्ट्रीय महामंत्री बुलंदशहर के दो बार के सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी रहने वाले हैं। दो दिन के कार्य समिति में अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान दीपक प्रकाश जी, अपने नेता के प्रतिपक्ष नेता श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, अपने दोनों संगठन के महामंत्री, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री और झारखंड प्रदेश के महामंत्री, उनका भी मार्गदर्शन अनुसूचित जाति मोर्चा के 27 जिलों के कार्यकर्ताओं को मिलने वाला है। और यह दो दिवसीय कार्य समिति अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित इस झारखंड प्रदेश की जो भी राजनीतिक उनकी जरूरतें हैं, उनका जो न्याय और हक अधिकार के लिए लड़ाइयाँ हैं उससे संबंधित मोर्चे ने जितना कितना अभी तक काम किया है और आगे कितना करना है, ऐसा पिछले के जो कार्य अवधि है उसका समीक्षा और आगे के कार्य योजना बनाते हुए हमने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सभी लोगों को यह जानकारी देते हुए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज आने वाले हैं, राष्ट्रीय महामंत्री जी कल आएंगे, हमारे प्रदेश के प्रभारी श्रीमती कमला देवी पाटले जी जो लगातार 3 बार की सांसद रही है वो भी आने वाली है, ऐसे अपने झारखंड प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चा के।